नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। थाना भवन के इंडियन गैस एजेंसी द्वारा गैस कनेक्शन में अधिक वसूली तथा अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए एक गैस उपभोक्ता ने जिला अधिकारी से एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। जलालाबाद निवासी गैस उपभोक्ता राकेश कुमार ने जिला अधिकारी रंजन कुमार को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि थाना भवन की इंडियन गैस एजेंसी उपभोक्ताओं का शोषण करने पर तुली है। एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को न तो होम डिलीवरी की सुविधाएं दी जा रही है, जबकि होम डिलीवरी के पैसे वसूल किए जाते हैं। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि एजेंसी मालिक पंकज मणि अग्रवाल गैस कनेक्शन देने के नाम पर उपभोक्ताओं से 4200 से लेकर 5600 रुपए तक वसूल करता है। उन्होंने कहा कि गैस बुक कराने के बाद डेढ़ महीने के बाद ही गैस मिल पाती है तथा बुकिंग व आपूर्ति के समय राशन कार्ड फोटो पहचान पत्र की मांग की जाती है। यदि कोई उपभोक्ता भूलवश ये चीजें नहीं ले जाता है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। नई टोकन बुक देने के नाम पर 60 रुपए वसूल किए जाते हैं। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि जब कोई इसका विरोध करता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। राकेश कुमार ने जिला अधिकारी से एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही कर न्याय की गुहार लगाई है। डीएम साहब के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम 19 तारीख से धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो। हमारी समस्या यह है कि हमारी होम डिलीवरी नहीं पहुँच रही है, हमें कोई भी छूट नहीं दी जा रही है, जबरदस्ती चूल्हा दिया जा रहा है और उसका अभद्र और गाली गलौज का आज तक व्यवहार जुगा तू बना हुआ है। कहाँ पर? थाना भवन भवन गैस एजेंसी है सर, और वहाँ पे ये सारी प्रक्रिया चली हुई है। हम अब से लगभग 4 महीने से लगातार शिकायत करते आ रहे हैं। गाली गलौज कौन करता है? पंकज मणि अग्रवाल जो है एजेंसी का मालिक और उसके कर्मचारी सभी का यही रवैया है, और वहाँ पर हमें कोई भी सुनवाई हमारी किसी प्रकार की कहीं पर नहीं हुई आज तक। शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव जाल निवासी एक युवक नगर के एक कॉलेज में अपनी मार्कशीट लेने आया था। इसी बीच उसके गांव के एक युवक ने अपने साथियों के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित युवक ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। जाल निवासी युवक अरविंद शामली नगर के एक डिग्री कॉलेज में अपनी पूर्व के वर्ष की मार्कशीट लेने आया था। जैसे ही वह नगर के मोहल्ला आर्यपुरी में पहुंचा तो उसके गांव के युवक विक्की ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक ने मामले की सूचना जब अपने परिजनों को दी तो उसके परिजन आरोपी युवक विक्की के घर पर उसे समझाने के लिए गए तो विक्की के परिजनों ने उनके साथ भी मारपीट की। पीड़ित परिवार ने मामले की तहरीर शामली कोतवाली पुलिस को दी है। आज स्कूल आया था जी, मैं अरे वो फाइल जमा कराने जी, तो वह कॉलेज में जी, हाँ तो जी उन्होंने हमला करा जी आज। किसने करा? विक्की ने जी। कौन है? जाट है जी। कितने लोग थे? वे जी दो थे जी फिलहाल तो जी। क्यों हमला करा उन्होंने, क्या वजह? आज इन्होंने कहा थे जी मेरी बहन को छेड़ा जी। अच्छा, पहले भी करा उन्होंने तुम्हारे साथ? हाँ जी। किस बात को लेकर करा पहले? पहले जी दुकान पर छेड़छाड़ हुई जी, दुकान हम दुकान पर थे जी, तो जी माँ जी बहस हुई, फिर जी इन्होंने लगा सामने देखो मानू करो मानू है जी फलाना है डिगड़ा जी, कितनी बात सी गई जी, कोई बात नहीं जी, और जी फिर यहाँ पिटवाया जी आज कहेगा जी। क्या झगड़ा हुआ स्कूल में? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? उसके ये तो स्कूल में से जा रहा था, उन्होंने कहा क्या लगा इसे यू पीटना सारू को लग गया, इनने मेरी बाँध छेड़ी थी रात। कौन लोग हैं? जाट जाट। जनपद के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव बधेव में एक विवाहिता को अपने पति की पराई औरत के साथ अवैध संबंधों का विरोध करना भारी पड़ गया। उसके पति ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी और उसको 2 दिन तक घर में बंधक बनाकर रखा। कैराना क्षेत्र के गांव बुच्चाखेड़ी निवासी ईश्वर की पुत्री कविता का विवाह करीब 3 वर्ष पूर्व गांव बधेव निवासी अमरनाथ के साथ हुआ था। शनिवार की दोपहर कविता के पति अमरनाथ उसके साथ शर्मिला व ससुर सहदेव ने उसके साथ मारपीट की, साथ ही कविता को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। पड़ोसियों ने उसके परिजनों को कविता के साथ मारपीट की सूचना दी, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसके ससुराल पहुंचकर उसे वहां से बंधन मुक्त कराया और मामले की सूचना थाना आदर्श मंडी को दी। कविता का आरोप है कि उसका पति पराई औरत के साथ अवैध संबंध रखता है, जिसका उसने विरोध किया था। पहले तो ससुर ने मारी, फिर मेरा घरवाल ने फिट्टी में, फिर मैं
सास ने पिटी और फिर मैं घर को किसने पता करा, जी पता करा तो सा मैं घर के गए। आपको कितने दिन बंद कर रखा कमरे में, कितने दिन बंद? दो दिन। लो खाना वाना भी दिया उन्होंने? नहीं, खाना वाना दिया, पानी पानी दिया बस। तो कुछ मारपीट क्यों हुई आपके साथ? मारपीट दो, मैं एक अपना आदमी को रखो थे एक जगह था, एक और रखता है और रुकानी जी तो मैं जा जी तो रखो लग रहा एक बिन तो बिन हो गए रुकानी जब भी मेरे सास ने उस किला उस कबट बंधुआ ने भेजा चौबटा बंधुआ का गलत दिखा मुझे। न्यूज 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। दीदी आपका घर तो मैं बनाऊंगा, तो मैं आपकी सुई लगाऊंगी। जल्दी चलो बच्चों, स्कूल को देर हो रही है। बच्चों का हो यदि सपना, पढ़ लिख कर कुछ हो बनना, इंजीनियर या डॉक्टर तो क्या करें? हम तो जाएंगे भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट। हमारे स्कूल का नाम भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है, जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम बहुत ही मन से उन्हें उसे पढ़ते हैं और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल आपके सपनों की नींव को मजबूत करता है, जिससे आपका बच्चा आपके सपने पूरा कर सके। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, गली नंबर 5, मोहल्ला रेल पार्क, शामली। मोबाइल नंबर 9536912498। हमारे विद्यालय में जो है वो कंप्यूटर शिक्षा, अच्छा फर्नीचर है, अच्छे पानी की व्यवस्था है और आने जाने वाहन सुविधा भी है। अनुभवी टीचर हैं जो कि हमारे बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। जनपद प्रबुद्ध नगर के थाना भवन क्षेत्र के गांव इरशादपुर निवासी एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के व्यक्तियों पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले की गुहार SP से लगाई है। थाना भवन क्षेत्र के गांव इरशादपुर निवासी एक युवती शीला की शादी लगभग 2 वर्ष पूर्व सहारनपुर जनपद के रामपुर मनियारन कस्बे के निवासी प्रवेश के साथ हुई थी। शीला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले आए दिन उसके साथ मारपीट करते रहते थे, लेकिन करीब 2 माह पूर्व उसके पति प्रवेश व उसकी माता व उसके ससुर ने उसके साथ मारपीट, इतना ही नहीं उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे घर से भी निकाल। पीड़ित विवाहिता ने मामले में न्याय की गुहार SP प्रबुद्ध नगर अमित वर्मा से लगाई है। मुझे 8 फरवरी को घर से छेद पीट के निकाल दिया और हमने रामपुर थाना में भी जी परिवार वालों ने उनके परवेश जी मेरा पति और मेरी सास सानो, मेरी जेठानी नीसा, ननंद परवीसा, जेठ प्रमोद किस बात को लेकर निकाला जी? मैं मुझे परेशान करते थे, घर में नुकसान बिगाड़ कुछ भी हो जाएगा सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम रख के मुझे घर से निकाल दिया और कोई ना ही तो लेने के लिए आता और ना ही मैं यहाँ पे बिया में लेके नहीं जाते। शादी कब हुई थी आपकी? 18 अक्टूबर को शादी हुई जी मेरी 2010। जनपद के कांदला क्षेत्र के गांव खंद्रावली निवासी एक कांग्रेस नेता ने गांव के एक पूर्व चर्चित प्रधान पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने कहा कि उक्त प्रधान उससे चुनावी रंजिश रखता है, जिससे उसे व उसके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। कांदला थाना क्षेत्र के गांव खंद्रावली निवासी कांग्रेस नेता संजय ने SP प्रबुद्ध नगर को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसने विगत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगी थी। आरोप है कि गांव का ही पूर्व प्रधान दबंग सोमपाल सपा समर्थक है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट, जब वह अपनी मां के साथ दवाई लेने के लिए गांव के एक चिकित्सालय के पास गया था। संजय का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने उसके साथ मारपीट की और उसके परिवार सहित जान से मारने की धमकी। संजय ने पुलिस से अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मैं बीमार थी सख्त, मैं दवाई लेने गया, डॉक्टर ने बोतल लगाई थी उसके बाद में मैं उससे दवा लेने गया, उसके बाद में मैं आए गाड़ी से सोमपाल प्रधान और कनकू खंद्रावली के, उन्हें आके मेरे पे नुकायक तो पंकज मलिक ते बिगाड़ी थी, बाद में फिर मेरे पर बट बजाने शुरू कर दिए। किस बात को लेकर
बस राजनीतिक है ये जो मुझे पंकज मलिक का साथ दिया चुनाव में और प्रधानी का लक्षण भी लड़ा था ये रंजीत उसने कहा सपा नेता है ये सोमपाल प्रधान। तो अब आप एसपी साहब ने क्या आश्वासन नहीं दिया कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। संस्कार सेवा परिवार शामली द्वारा मदर्स डे के अवसर पर वार्षिक अधिवेशन पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्कार सेवा परिवार द्वारा टंकी रोड स्थित वैष्णो मंदिर में वार्षिक अधिवेशन के तहत मनोज मित्तल बन गए कवि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मनोज मित्तल ने कविता पेश करते हुए कहा कि मौत के आगोश में जब तक सो जाती है माँ तब जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमको तो चिल्लाती है माँ, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से अपने बच्चों के लिए दामन फैलाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी गुजर जाती है माँ। चाहे हम खुशियों से माँ को भूल जाएं, दोस्तों जब मुसीबत सर पर आती है तो याद आती है माँ। इस मदर्स डे के अवसर पर सुनील अरोरा, प्रीतम सिंह प्रीतम आदि ने कई अपनी कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नीरज वशिष्ठ व डॉक्टर अर्जुन वर्मा रहे। परमेश्वर सी जननी है माँ किंतु परमेश्वर सी दुर्बल नहीं।
माँ की कोई माँ नहीं, क्योंकि माँ को माँ नहीं होती। माँ होती है ममता की मूरत, इसे मिली है अच्छी सूरत, सबके दुख हर लेती है, सुखद सभी को कर देती है, केवल अपनी मुस्कान से सबका मन भर लेती है, हर समय सूरज से चमकती है, हर जीवन को मेकाती है, हम राज है, प्यार है और हर राज छिपाना जानती है माँ। आज की इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर आज होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।